रात 10:30 बजे के बाद दुकानें खुली रखना अब महंगा साबित हो सकता है। यवतमाल जिले के दारवा पुलिस उप विभाग के तहत आने वाले गांव और शहरों में देर रात तक दुकानें तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान शुरू रखने पर पुलिस प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। दारवा उप विभाग के तहत आने वाले दारवा, दिग्रस, आनी, नेर और लाड़खेड़ पुलिस थाने की हद में आने वाले नागरिकों से रोजाना रात 10:30 बजे तक अपनी दुकानें, रेस्टोरेंट, पान तथा चाय टपरियों और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आह्वान पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। इस बारे में हाल ही में दारवा पुलिस उप विभाग के नवागमित उप विभागीय पुलिस अधिकारी सी रजनीकांत ने दुकानदारों और व्यवसायियों को सूचना देते हुए स्पष्ट किया है कि अगर इस चेतावनी को हल्के में लेकर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रजनीकांत है, मी नवीन SDPO दारवा म्हणून पोस्टिंग झाला माझा। तर सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि माझ्याकडून तुमच्या तुम्हाला सगळ्यांना एक विनंती आहे। स्पेशली माझं जे 5 पोलीस स्टेशन्स आहेत, दारवा, दिग्रस, नेर, लाडखेड आणि आर्णी, याच्यामध्ये 10:30 पर्यंत सर्व आस्थापना बंद करायचं आहे आणि सर्व आस्थापना, हॉटेल किंवा टपरीवाल्यांना सगळ्यांना मी विनंती करतो की 10:30 पर्यंत पूर्ण बंद करा आणि बाकी अवैध धंद्यावर माझा कारवाई चालू आहे। त्याच्यासाठी जे नव कॉमन लोकांना काही माहिती मिळाली असेल तर आम्हाला लगेच कळवून द्या आणि आम्ही कारवाई करतो। सगळ्यांना नमस्कार। दारवा उप विभाग के तहत आने वाले विभिन्न शहरों और गाँव में कई तरह के अवैध कारोबार करने वालों का गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है, जिन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। ऐसे में नागरिकों से अपने गांव और शहरों में चलने वाले अवैध धंधों की जानकारी देने का आह्वान भी सहायक पुलिस अधीक्षक तथा उप विभागीय पुलिस अधिकारी सी रजनीकांत ने किया है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।